वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमने आपको बताया था कि हमें मोटिवेशनल एक जो कह लें ट्रेनर हैं ज्वाइन करने वाले हैं, और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक कुछ ऐसा है कि कुछ लोग कामयाबी और नाकामी दोनों को अपने हवासों पर सवार कर लेते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो डिप्रेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और कुछ लोग कामयाब होकर भी मेंटली पीसफुल नहीं पीस जो है उसको अटेन नहीं कर पाते। इस तमाम सर टॉपिक की बहुत सारी जो कहने डीप डिस्कशन होगी, उसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जहाज़ेब अहमद खान। और जहाज़ेब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जहाज़ेब, टॉपिक ये कुछ इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। कामयाबी और नाकामी, हवासों पर सवार करना, ये दोनों केसेस होते हैं। मेरे नज़दीक नाकामी जैसी कोई चीज़ नहीं, इस दुनिया में नाकामी जैसी कोई चीज़ नहीं है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफ, तो ज़िंदगी में सही गलत कुछ नहीं है। हाँ, हमारे जो रूल्स ऑफ एथिक्स हैं, जो एक हमें वो फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़ मिला होता है, उसके अंदर रहते हुए सही गलत कुछ नहीं है। एक काम मैंने किया एक तरीके से, वो मेरा काम हो गया। आपने उसी तरीके से किया, नहीं हुआ, तो आपने कोई और तरीका ट्राई किया। मैं इसकी मिसाल इसी तरह से देता हूँ कि एक फोटोग्राफर है, मतलब देर इज़ अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, और वो एक कमरे में हैं, एक जगह पे हैं, और वो हर फोटोग्राफर अपनी अपनी तस्वीर आपको निकाल के देगा। हर फोटोग्राफर की अपनी टेक्निक होगी, अपर्चर शटर उन्होंने अपने हिसाब से सेट करना है। इसी तरह से लाइफ सबकी ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक काम एक तरीके से हुआ हो उसी तरीके से वो दूसरे के लिए भी हो जाए। सो वी नीड टू ट्राई एंड टेस्ट आर थिंग्स। इस एतबार से मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कुछ गलत या सही नहीं होता। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ नथिंग लाइक बींग अनसक्सेसफुल। हम कोशिश कर रहे होते हैं, जब तक हम कोशिश कर रहे हैं तब तक हम ठीक हैं, जब हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं वो काम गलत है। ठीक है, अच्छा, अब नाकामी जैसी आपने कहा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन समटाइम्स अगर आप कामयाब नहीं होते किसी अटेम्प्ट में तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसकी तरफ लीड करके जाती हैं। ओवरकम करना या इस चीज़ को डील करना हर एक के बस की बात नहीं होती, क्या टेक्निक्स आप बताएं? देखें, हम आजकल जिस दुनिया में रह रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इंटरनेट, इट्स अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है, और थिंग्स ऑफ इंटरनेट है, एक इंटरनेट है जो कि हर चीज़ के साथ अटैच हुआ हुआ है। अब हम सोशल मीडियम्स के ऊपर आ जाएं तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस किस्म की जो भी एप्लीकेशंस हैं हम जो लोग यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उनके लिए कहना मेरा ये है कि हम अपनी जो सक्सेस है ना, पहले हम अपने पीयर्स जो हमारे इर्द गिर्द लोग फिज़िकली अवेलेबल होते थे उनसे हम एक मवाजना करते थे कि यार हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज हम उस शख्स से भी अपने आप को अपना मवाजना करते हैं जो शायद सात समंदर पार है, जिससे हम कभी मिले भी नहीं हैं, बट हम कहते हैं कि यार ही इज़ ऑफ माई एज और शी इज़ ऑफ माई एज, उसने यहाँ तक अचीव ये सब कुछ अचीव कर लिया, हम क्यों नहीं कर सके। जब लोग इसके ऊपर जाते हैं तो लोगों की सक्सेस देख के बजाय इसके कि हम खुश हों, हम अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं, और हम डाउट करना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को शेल में बंद कर लेते हैं, और जिसकी वजह से लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाते हैं। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने टूल्स पूछे थे ना, उसमें हमने अपने आप को अपनी ज़ात के अंदर इतना एक कॉन्फिडेंट होना है कि यार जो हम कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है, किसी की थोड़ी सी देर से आ जाती है, लेकिन आज सबकी मंजिल जाती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और तो इसके लिए तो जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है बिलीव, अपने आप में, सेल्फ बिलीव, सर्कमस्टेंसेस पे, लेकिन वही हम सब में बहुत लाग करता है। हम हमेशा जब भी किसी कामयाबी या किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हम बहुत डाउटफुल रहते हैं। देखें, हमें ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें चीज़ें बताई गई होती हैं वो कहीं ना कहीं हम कैरी कर रहे होते हैं अपने साथ, लेकिन हमें ये बात नहीं बताई गई होती कि ज़िंदगी जो है और दुनिया जो है वो एक टफ़ तरीके से आपको चीज़ें सिखाती है। हम जिस एनवायरनमेंट से आते हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क की अगर हम बात करें, और उसमें मिडिल क्लास लोगों की जब आप बात करते हैं, तो मिडिल क्लास लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग पैम्पर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब बच्चे एक सर्टन अमाउंट ऑफ सख्ती ऑफ लाइफ से नहीं गुजरे होते, Keep it in your mind कि सख्ती ऑफ लाइफ इज़ अ टर्म विच आई एम डेलिब्रेटली यूजिंग,
कि वो चीज देना बहुत जरूरी है, वो इस एक जेनरेशन के अंदर लैक करती है। एक्सेस में हो आपकी उसकी उतनी कदर या उसका इतना, आप ये देखिए कि लड़कों के एतबार से अगर देखा जाए तो हर वालिदैन की कोशिश होती है, सबकी कोशिश होती है कि हमें मोस्ट कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दें, जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए। तो वालिदैन की तो ख्वाहिश होती है, बट वो उस बेसिक ग्रूमिंग के अंदर लैग कर रहा है, जहाँ पे उसको इस बात की समझ नहीं आती कि यार मुझे एक सर्टन टाइम में तो सब कुछ प्लेट में रख के मिला, लेकिन जब अब ज़िंदगी मुझे अपने तरीके से देख रही है और लोग अपने एतबार से, क्योंकि हर शख्स का अपना क्राइटेरिया है, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का अपना क्राइटेरिया है, हर इन्वायरमेंट का अपना क्राइटेरिया, और आपको उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। अगर आपने वहाँ सस्टेन करना है, सक्सेसफुल होना तो बात की बात है, इवन सस्टेन करना है, तो उस सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है फॉर द लोज एंड हाइज ऑफ लाइफ। ठीक हो गया, लोज एंड हाइज ऑफ, हम प्रिपेयर्ड कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि लो सेल्फ इस्टीम, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको हम डील नहीं कर पाते, और चाहे हमारी फैमिली हो, कुछ जैसे आप मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, एजुकेशन, पैम्परिंग, ये सारा कुछ होता है, लेकिन जब आप सख्ती की आप जो बात कर रहे थे जानेब, सख्ती अगर नहीं भी आई, आई भी है, हमें डील करना नहीं सिखाया जाता, हमें वो नहीं बताया जाता कि अगर तुम नाकाम हो जाओ या तुम इस चीज़ को अचीव ना कर सको तो तुम इसको डील कैसे करना है, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, हमें नहीं समझना। देखिए, ये फ्लेवर्स ऑफ लाइफ हैं, हमारे साथ सख्ती जब हो रही होती है, या चलें उसको सख्ती, बचपन की सख्तियों को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के, हम आ जाते हैं एक लाइफ, हाउ लाइफ टीचेस अस एंड हाउ पीपल अराउंड अस, हाउ द वर्ल्ड टीचेस अस, उसमें आपको एक सिनेरियो के अंदर रहते हुए आपको कभी भी चीज़ें नहीं मिल रही होती। कई जगह अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं, एक वक्त में हमें बॉस बहुत अच्छा मिलता है, एक प्रमोशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट लाइन मैनेजर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, वो शायद बहुत हार्श होता है हमारे ऊपर, तो क्या हम वो जगह छोड़ के चले जाते हैं? इस वक्त का जो सब में बड़ा मसला है अनसक्सेसफुल होने में, वो ये है कि हम मुकाबला नहीं करना जानते, एस्केप के ऊपर जाते हैं, भागते हैं, और हम कहते हैं जो चीज़ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही, लीव इट। लीविंग इज नॉट द केस, लीविंग का मतलब ये है कि आप मैदान छोड़ के भाग गए। ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन एल्स बट फॉर योर ओन सेल्फ। जब आपको ये देखें, जिंदगी में सब में ज्यादा जिसको हमने प्रूव करना होता है ना, वो हमारी ज़ात होती है। हम जब ये कहते हैं कि यार मैंने फलाने के लिए ये किया, ढमकाने के लिए ये किया, और मैंने ये किया ताकि इन लोगों को पता लग जाए कि मेरी क्या कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उससे पहले हम सिर्फ ये बता रहे होते हैं कि हमारी अपनी क्या कैपेबिलिटी है, हम खुद क्या, हम अपने आप को बताना चाह रहे होते हैं, क्योंकि सब में पहले हमने उठ के, सुबह उठ के अपने आप को देखना होता है और अपने आप को फेस करना सब में बड़ी बात है। उसके ऊपर आपको रहते हुए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई जगह छोड़ रहे हैं तो क्या आप डर के छोड़ रहे हैं, या आपके, आपको लगता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये दोनों चीज़ें फाइट आउट की जा सकती हैं। The only thing we need to do is that we need to stay, because it's a very important thing and it must be understood that if you are there, then you'll be getting it. अच्छा जानसिब, कहा जाता है आप अगर आपने कामयाब होना है या कुछ भी, बहुत सारे आपको टैक्स इधर उधर से लोग बताते रहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं बड़े ख्वाब देखो, कुछ कहते हैं बड़े ख्वाब ना देखो, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ख्वाब देखो, ये सारी चीज़ें किस तरह से लेते हैं? मैं कभी भी ड्रीमिंग एंड इवन डे ड्रीमिंग से मना नहीं करता। अच्छा, एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आप कभी लेट हुई हैं किसी जगह? आपको पता है लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है? लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक जो लोग लेट होते हैं आर मोर क्रिएटिव, बिकॉज दे हैव अ नंबर ऑफ आइडियाज इन देयर माइंड एंड दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ टू एग्जीक्यूट दोज आइडियाज। साइकोलॉजी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, साइकोलॉजी कहती है कि आप क्रिएटिव ज़्यादा हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, अभी एक एग्जाम्पल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो लोग लेट हो रहे हैं वो अब इस बात पे कुछ तीर मार रहे हैं। बींग ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस चीज़ को हम ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखें तो चीज़ों के कुछ पॉजिटिव एंड्स भी होते हैं, उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है। हम अगर ये कह दें कि यार चीज़ें एक ही पैटर्न के साथ नहीं कभी भी चला करती, मैंने बात पहले भी की थी कि चीज़ें मुख्तलिफ पैटर्न्स के साथ ही आइडेंटिफाई की जाती हैं। अब जब आप एक ही लाइन दे देंगे और एक ही लाइन के ऊपर कहेंगे कि जी आप इसी के ऊपर रहें,
तो वो ऐसे नहीं होगा. और आपको अपने आप को बेसिकली इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है. हम कभी भी नहीं कह सकते कि यार, और उसके ऊपर ये होता है कि जो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या सेल्फ इस्टीम लोगों की लो हो जाती है, उस सेल्फ इस्टीम के लो होने के ऊपर हमारे सोशल एलिमेंट्स का, सोशल अवामिल जितने भी हैं उनका बहुत हाथ है. उस चीज़ को काउंटर करने की ज़रूरत है यार, कि यार मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ एंड आई विल मेक इट सम हाउ द अदर, आई विल मेक इट. मुझे इस वक्त, और लोग जो पुल डाउन कर रहे हैं फिर उनसे कोशिश करें कि इज्तनाब करें उस सिचुएशन से. पुल डाउन करने वाले तो ज्यादातर लोग होते हैं जो आपको ज्यादा कहते हैं भाई तुम क्या ये सोच. मैं यही बता रहा हूँ ना कि अब लेट आने के ऊपर आपको हर बंदा ये कहता तो जरूर है कि यार आप बहुत लेट आ रहे हैं, आप ये है, वो है, फलाना ढमकाना, वो उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. बट हर चीज का एक पॉजिटिव एलिमेंट भी होता है. इसी तरीके से आप जो काम कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव एलिमेंट होता है. वो पॉजिटिव एलिमेंट हर कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि प्रोज एंड कॉन्स की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स हम पहले देखते हैं, नेगेटिविटी पहले देखते हैं, स्केप्टिकल पहले हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम लोगों को पुल डाउन करना शुरू कर देते हैं. कोई भी काम कोई शख्स शुरू करता है तो तुम ये काम नहीं कर सकते, इससे बात की जाती है. और जब आप किसी के दिमाग में ये डाल देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तो पहले डाउटफुल हो गया. दे आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज. वन जो कि कहते हैं ओके फाइन, वो बिलीव करना शुरू हो जाते हैं इस बात को कि हाँ यार मैं वाकई नहीं कर सकता. दूसरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ये होती है कि वो दे टेक इट एज अ चैलेंज यार मैं करके. लेकिन अगर आपने टाइप ए जो मैंने बताई कि वो दे टेंड टू यू नो लीव इट, उनके साथ तो आपने ज्यादती की. हो सकता है उनका पोटेंशियल होता, उन्हें थोड़े सी हल्लाशेरी की जरूरत होती, थोड़ा उनका दिल बड़ा करने की जरूरत होती और वो अचीव कर लेते उस चीज को. ठीक है. अच्छा जानजेब हमारे साथ मौजूद है. जनाब हम बात करें कि आपने किस तरह से सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होने के टैक्स क्या है बेसिकली. लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की सेल्फ स्टीम मोटिवेशन डाउन हो जाती है, उसको कैसे ओवरकम करना है जानजेब हमें बता रहे हैं. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी डिस्कशन करेंगे. आप देखते रहिए जागो लाहौर.